हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़िया वारिस और ज़िया मोटिवेशनल स्पीकर पर आपका बहुत स्वागत है। आज एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी काम को जब तक किया नहीं जाता, जब तक वो मुश्किल लगता है, आसान नहीं लगता है, असंभव लगता है, लेकिन जब उसी काम को करने के लिए आप प्रयासरत हो जाते हैं, आप करने के लिए उसको, तब उस काम की मुश्किलें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वो काम आपके लिए आसान होने लगता है। और मुझे ये टारगेट अचीव करना है अपनी लाइफ में, या मेरा कोई गोल है, मेरा कोई ड्रीम है जो मुझे पूरा करना है, तो आप उसे निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप ज़्यादा सोचे मत कि उसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आप एक बस एक अच्छा सा प्लान बनाइए कि गोल तक मैं कितनी आसानी तक पहुँच जाऊँगा और उस गोल को अचीव करने में मुझे कितनी मेहनत करना पड़ेगी, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। जो भी पूरा क्राइटेरिया होता है उसको आप एक डायरी में नोट करें और स्टेप बाय स्टेप कदम रखते जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप सोचें मत कि ये कैसे मैं इस चीज़ को जो है हासिल करूँगा, इस लक्ष्य को मैं कैसे हासिल करूँगा, ये चीज़ मेरे लिए कैसे आसान होगी। अगर आप सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे और वो लक्ष्य आपसे बहुत दूर चला जाएगा, आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल हो जाएगा। आप बस अपना काम करिए, आप परफॉर्म कीजिए। आप जब परफॉर्म करेंगे, अपना काम करेंगे, अगर कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस तो आएगा ही। मतलब एक्सपीरियंस आएगा तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रयास करेंगे। अगर उस बार भी असफल रहते हैं तो फिर एक्सपीरियंस आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने पिछली बार क्या गलती की थी। अब उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है, उस गलती को रिपीट ना करते हुए अब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें अटैम्प्ट, देखिए आप अटैम्प्ट करते जाइए, आप कोशिश करते रहिए। चींटी को आपने देखा है ना, चींटी कितने अटैम्प्ट करती है किसी भी चीज़ को, किसी भी ऊंचाई वाली चीज़ पर चढ़ती है, या जब कोई एक बोझ लेके चढ़ती है तो कितनी बार गिरती है, उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, उठती है, लेकिन कभी हार नहीं मानती है। तो उसके अटैम्प्ट इतने होते हैं कि वो शायद आप गिन भी नहीं सकते हो कि वो कितनी बार प्रयास करती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। अंत तक, अंत में वो अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाती है। सो मैं भी यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप अटैम्प्ट, मतलब जो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो भी आपने अपना गोल, अपना डिज़ायर, अपना ड्रीम देख रखा है, जो पूरा करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बस लग जाइए। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपको एक्शन लेना है, वो आप अपना एक्शन लीजिए। और ज़्यादा सोचने से, सिर्फ सोचते रहने से कोई काम नहीं होगा। सोचते रहने से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मुश्किल ही खड़ी होगी और आपका वो काम भी जो है, जो आपको आसान लगता है, वो भी मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट योर वर्क एंड डू योर वर्क विद योर पैशन, बिकॉज पैशन मेक्स इनक्रेडिबल। अगर आपके अंदर पैशन होगा, पैशनेट होकर कोई काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। निश्चित रूप से आप जो है उस काम को वैसा ही कर पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं, जैसे पैशनेट होकर ही करना होगा। लेकिन आपको ये काम, तो पैशनेट होकर जब कोई काम किया जाता है तो वो अच्छा काम होता है और उम्मीद से ज़्यादा उसमें लाभ भी मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को, जब आप किसी भी लक्ष्य या किसी गोल को टारगेट करने का सोचें, या कोई आपने कोई प्लान बनाया है, कोई स्टार्टअप डालना है, कोई बिजनेस डालना है, कुछ आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में, सो आप अपना एक रफ़ क्राइटेरिया, अपना रफली जो है क्राइटेरिया अपना सेट कर लीजिए कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने अपने काम में, अपने एक्शन को किस तरीके से लेना चाहिए, सो दैट आप जो है फाइनली उस गोल तक पहुंच जाएंगे। आपका जो भी गोल है, जो भी आपका आपने अपना मकसद बनाया है, वो पूरा होके रहेगा। जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक वो मुश्किल रहेगा, लेकिन जब आप खड़े हो जाएंगे तो फिर वो काम होके रहेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके मैंने सिर्फ यही बताया है कि जब आप किसी काम के बारे में या किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो सोचने के लिए, सोचने का काम इतना कीजिए कि हमें काम कैसे करना है और हमें किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को करना है। सो वाइजली, मतलब कि स्मार्टली जो है आप उन चीज़ों को पिक कर सकते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन्हें डिनाई कर सकते हैं, उन्हें लेफ्ट कर सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी पावर बचेगी, आपकी कंज्यूम जो करने की क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूम कर पाएंगे। सो ज़्यादा ना सोच कर बस खड़े हो जाइए, काम शुरू कर दीजिए तो काम होकर रहेगा। तो ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।